चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की फोटो। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद के धरती की फोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दिया है। उस तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई चांद की फोटो को दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे सबसे अगर नजदीक कोई ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। इसलिए नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक जांच करके चांद के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। भारत ने साल 2009 में चंद्रयान 1 के जरिए चांद की धरती पर जाने के बाद पानी खोज निकाला था। और आपको पता ही होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पानी खोज लिया जाता है तो वैज्ञानिकों की भी दिलचस्पी ऑब्जेक्ट को लेकर बढ़ जाती है। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को चांद पर ले जाने की प्लानिंग बनाई, लेकिन साल 2019 में इसका लैंडर चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया। इस बार फिर भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन चांद की सफल उड़ान के लिए रवाना किया है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसे पृथ्वी का अंडाकार चक्कर लगाते हुए चांद तक पहुंचना था। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है। चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। इसी दौरान चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के करीब पहुंचकर उसकी कुछ फोटो खींच ली है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने रविवार के दिन चांद को चंद्रयान 3 द्वारा देखा गया एक वीडियो जारी किया है, जिसे हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और साथ ही उन फोटो के बारे में आपको रोचक जानकारियां देने वाले हैं। 14 जुलाई को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के 3 हफ्तों बाद इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर चंद्रमा की कक्षा की तरफ उठाने का कार्य कर रहे थे। इसके बाद 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। इस प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर उस पथ पर जाना शुरू कर दिया जो इसे चंद्रमा के नजदीक ले जाएगा। जल्द ही इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5 हजार किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई चंद्रमा की तस्वीरों के बारे में। चंद्रयान ने जो तस्वीर भेजी है उन तस्वीरों में काफी ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। यह गड्ढे चांद की सतह पर मौजूद है। चंद्रयान 3 इस बार इन्हीं भयानक गड्ढों के बारे में जानकारियां हासिल करने वाला है। चंद्रयान से ली हुई चांद की पहली तस्वीर देखिए। हर तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डन रंग का कुछ दिखाई दे रहा है। यह गोल्डन रंग चंद्रयान का सोलर पैनल है और सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। ये हर फोटो में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चंद्रयान चांद की धरती के नजदीक जा रहा है, वैसे वैसे ये गड्ढे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 से ली गई चांद की तस्वीरों को रविवार के दिन उसके ऑर्बिट बदलने से 1 या 2 घंटे पहले ही जारी किया था। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 ने चांद का चक्कर लगाते हुए कामयाबी से अपना ऑर्बिट भी बदल लिया है। 14 अगस्त की दोपहर में इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डीऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100x35 किलोमीटर के ऑर्बिट में चला जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास किया गया था, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है। अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया। इस गति की वजह से वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कराया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज से पहले वहां पर केवल ऑर्बिटर पर ही जानकारी ली गई है। अभी तक किसी भी रोवर ने वहां से जानकारी नहीं भेजी है, इसलिए अब भारत ने अपना मिशन वहां पर भेजा है और जब वहां पर उतरेगा तो वहां पर मौजूद नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि चांद के इस भाग में आम इंसान के फ्यूचर में काम आने वाली कोई बड़ी एनर्जी सोर्स के बारे में पता लग सके।
जो आज पेट्रोल और डीजल बहुत बड़ी जरूरत बन चुके हैं, अगर वहां तीसरा एनर्जी सोर्स मिल जाए तो इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इस बार चंद्रयान तीन को चांद के डार्क साइड में लैंड करना है। हालांकि चांद के डार्क साइड में लैंड करना इतना भी आसान नहीं है। चलिए उससे पहले हम आपको चांद के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाता है। मनुष्य और टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे विकास किया है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड की चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। सदियों से चंद्रमा का मानव इतिहास और मानव संस्कृति से गहरा संबंध रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल मंडराता है। इसका असली कारण अभी तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चांद की धरती पर चंद्रयान तीन का सॉफ्ट लैंडिंग इतनी आसान क्यों नहीं है। चंद्रयान तीन को चांद पर डार्क साइड में लैंड करना है, तो चलिए जानते हैं डार्क साइड क्या है और इसका अर्थ क्या है। जो हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है वही है डार्क साइड। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। यहां तक सूर्य से आने वाला रेडिएशन भी नहीं है, इसीलिए यहां जीवन के निशान मिलने की उम्मीद है। और इस जगह को ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया, इसीलिए भारत बार बार इसी जगह उतरने की कोशिश करता है। चंद्रयान दो में इसी जगह उतरते समय किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी, और अब भारत दोबारा उसी जगह पर लैंड करने का प्रयास कर रहा है। चांद का डार्क साइड काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ का तापमान भी काफी ज्यादा कम रहता है, इसलिए यहाँ पर बर्फ पाए जाने के लिए संभावना भी बनी रहती है। इस वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती। चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रयान तीन आखिर चांद पर क्या करेगा। साथियों, साल 1959 में रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए, और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान खोज करते हैं। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। चलिए आपको कुछ और जानकारी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि चांद की धरती में पानी छुपा हो सकता है, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहां पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्करी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान तीन मिशन को भेजा गया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।